लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। लेकिन सत्ताधारी गठबंधन ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सुनामी के आगे कोई नहीं टिकेंगे। लोकसभा के बाद अब विधानसभा का रण, शिवराज सिंह चौहान को झारखंड की कमान, असम के सीएम बनाए गए चुनाव सह प्रभारी। लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीतने के बाद एनडीए विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक ओर लोकसभा के नतीजे की समीक्षा की जा रही है, तो दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के रणनीति भी बनाई जा रही है। विधानसभा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई है, जबकि असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी के विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा बनाए गए चुनाव सह प्रभारी। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की बैठक, एसटी के लिए आरक्षित 5 सीटों पर हार के कारणों पर होगा मंथन। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर 3 दिनों तक हुई सभी लोकसभा क्षेत्र में समीक्षा बैठक। दीपक प्रकाश ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा की अगुवाई में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी। बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी का और कुशल सफल पूरे नॉर्थ ईस्ट के। मैं जहां भाजपा के झंडे को लहराने का काम किया, असम में सरकार बनाने का काम किया, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी एक तेज तरार नेता के रूप में है, उनका भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा और दोनों नियुक्तियां जो है वास्तव में आने वाले झारखंड के विधानसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार। न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए की सहयोगी आजसू भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। आजसू ने 100 दिनों का रोड मैप बनाया है। सुदेश महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ मिलकर आजसू चुनाव लड़ेगी। के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखो इसका मूल्यांकन आप पिछले ही से देखो, हमेशा हम लोग जब मिलकर लड़ेंगे तो उसको फायदा ही होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली, दूसरी ओर सत्ताधारी गठबंधन भी तैयारी में जुट गया है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत से इंडी गठबंधन उत्साहित है। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये तक तय नहीं है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व शर्मा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेमंत सोरेन की सुनामी के सामने कोई नहीं टिकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। दोनों को यहां लगाया गया है कि किसी तरह चुनावी रणनीति, जो चुनाव आने वाला है उसमें नैया पार हो जाए, लेकिन चेहरा कौन होगा? कोई झारखंड का एक व्यक्ति का नाम तो बताइए, जो आला कमान है मैं उनसे बोल रहा हूं, कोई चेहरा तो बताइए किसको सामने करके आप चुनाव लड़ेंगे। कोई भी आए, हेमंत बिस्व शर्मा आए या शिवराज सिंह चौहान आए, 2-4 और आ जाए तो भी हेमंत सोरेन की सुनामी के सामने कोई नहीं टिकेगा। तो केंद्रीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को प्रभारी और पर्यवेक्षक मनोनीत किया जाता है। इसका यह मतलब है कि आदरणीय जेपी नड्डा जी को अपने संगठनों के आदमियों पर भरोसा नहीं है कि वो विधानसभा का चुनाव जितवा सकते हैं। ऐसे शिवराज सिंह चौहान और बिस्व शर्मा जी भी विधानसभा का चुनाव झारखंड में नहीं जितवा पाएंगे, क्योंकि झारखंड की जनता पूर्व में भी इनको नकारने का काम किया और इस बार झारखंड की जनता ने और अधिक मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से पूरी तरह खदेड़ने का काम करेगी। झारखंड में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को भले ही 2019 के मुकाबले 3 सीटें कम मिली है, लेकिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त भी मिली थी। ऐसे में झारखंड में सत्ता तक पहुंचने में एनडीए जुट गया है, लेकिन सत्ताधारी इंडी गठबंधन का दावा है कि वो ही फिर से सरकार बनाएगी।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।